गाइस एंड्रॉइड 14 रियल में UI 5.0 का अपडेट आ चुका है। क्या मतलब ये एंड्रॉइड 13 ने बस दो चार एक्स्ट्रा अपडेट दे दिए। अरे तो चुप हो जाना, मैं बताता हूँ आगे। चलो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक लंबा इंतज़ार के बाद फाइनली अपडेट आ गया है। अपडेट का साइज है अराउंड 4.5 GB। ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ, ताली बजाओ, क्योंकि सेम इंटरनेट से तो डाउनलोड नहीं होगा क्योंकि दिन का बस 2 GB मिलता है। देखता हूँ किसी का अगर इंटरनेट मिल जाएगा तो मैं डाउनलोड करके आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। One day later. बस अभी अभी अपडेट इंस्टॉलेशन सब खत्म हो गया है और ये रहा वो ब्रांड न्यू रियलमी UI 5.0 विथ एंड्रॉइड 14। हाँ भाई पता है इसमें आपको कुछ डिफरेंट नहीं दिख रहा होगा क्योंकि कुछ मतलब लुक्स वाइज वही सेम ही है, वही रियलमी UI 4.0 को ही मतलब चिपका दिया है, दो चार एक्स्ट्रा कुछ अपडेट दे दिया है और इस ये बोल रहे हैं इसको रियलमी UI 5.0। ट्रस्ट मी भाई, अगर आपको ये अपडेट नहीं मिला तो आप मतलब कुछ ज़्यादा मिस नहीं करोगे क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं एक्स्ट्रा जिससे आप लोग मतलब खुश हो जाओ। हाँ सिक्योरिटी वाइज आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मिल जाएगा पर लुक्स वाइज वही सेम ही है रियलमी UI 4.0 जैसा था रियलमी 5.0, बस वैसा ही है, ज़्यादा कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। कुछ दिनों से मैं एक बात नोटिस कर रहा हूँ, लाइक जब भी कोई बड़ा अपडेट आने वाला होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपके फ़ोन में एंड्रॉइड 13 है और रियलमी UI 4.0 है और आपको फर्स्ट मेजर अपडेट आने वाला है जो है एंड्रॉइड 14 रियलमी UI 4.0, मान लीजिए एक मैं बता रहा हूँ, अगर वही UI में 15 फीचर आपको मिलते हैं तो आपके फ़ोन में लगभग 14 फीचर आपको मिल जाएंगे। और अगर आपका मतलब सेकेंड मेजर अपडेट आने वाला है तो वही वाला अपडेट आपको मतलब 15 फीचर के जगह आपको 10 फीचर मिलेंगे। मुझे पता नहीं मतलब ऐसा क्यों होता है, जिनको मतलब फर्स्ट मेजर अपडेट मिला है उनके फ़ोन में आपको लाइक सभी तरह का मतलब फीचर मिल जाएगा, वही मैंने जैसे बताया 15 तरह का आपको उनके फ़ोन में फीचर्स मिल जाएंगे, पर मेरे जो ये सेकेंड मेजर अपडेट है तो मुझे मतलब लाइक 10 ही फीचर मिला है। मुझे ये जो रियलमी UI 5.0 का अपडेट मिला है इसमें मतलब बहुत सारे फीचर मुझे मतलब नहीं मिले। एक एग्जांपल बताऊँ, एक फीचर था रियलमी UI 5.0 में फ़ोटो बैकग्राउंड सेपरेटर, ये अपडेट में मुझे नहीं मिला है। पता नहीं रियलमी वाले क्या कर रहे हैं, ये वाला मेरा सेकंड मतलब मेजर अपडेट है इसलिए मुझे नहीं दिया है या फिर क्या पता नहीं। मैं आपको आगे बहुत सारे मतलब फीचर के बारे में बताऊंगा जो मतलब मुझे नहीं मिला है, पर ये रियलमी UI 5.0 में है पर ये फ़ोन में मुझे नहीं मिला है। आपको मैं आगे वीडियो में दिखाता हूँ क्या क्या मुझे मिला है और क्या क्या मिसिंग है। जो मुझे ये रियलमी UI 5.0 में नहीं मिला है वो है डायनामिक आइलैंड। रियलमी UI में ये मतलब इसको बोलते हैं फ्लास कैप्सूल, तो इसमें ये होता है कि लाइक मान लीजिए मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डर को जब भी मैं ऑन करूँगा वो मतलब टॉप सेक्शन पे जाके पील शेप का एक बन जाएगा, जैसे डायनामिक आइलैंड में होता है उसी तरह का एक बन जाएगा। वॉइस रिकॉर्डिंग में जैसे मैं इसको ऑन कर दूं वो भी मतलब ऊपर जाके पील शेप का एक नॉच टाइप का एक बन जाएगा, कुछ ऐसा दिखता है, मैं आपको यहाँ पे वीडियो में दिखा दूंगा। एक और फीचर है जिसको बोलते हैं डायनामिक कंप्यूटिंग इंजन, ये वाला जो फीचर है ये फ़ोन मैनेजर में मिलता है। तो ये फीचर का मतलब बेसिक काम है कि लाइक आपको मतलब सिस्टम को वो ऑप्टिमाइज करेगा और स्मूथ रखेगा आपका सिस्टम और स्टेबिलिटी भी ठीक ठाक रखेगा, तो ये वाला फीचर इसीलिए होता है। ये वाला फीचर रियलमी UI 5.0 में है पर मेरे फ़ोन में नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है रियलमी वालों को कि मतलब ये फ़ोन में मुझे नहीं मिला। थर्ड फीचर जैसे मैंने बताया था फ़ोटो बैकग्राउंड सेपरेटर, ये वाला फीचर भी ये फ़ोन में नहीं मिलता है। तो गाइस अब हम बात करते हैं क्या क्या फीचर्स आपको ये रियलमी UI 5.0 पे मिलेगा। यहाँ पे मैं कुछ सिस्टम एप्लीकेशन का कंपैरिजन करूँगा, एंड्रॉयड 13 पे ये कौन से वर्जन पे थे और एंड्रॉयड 14 में कौन से वर्जन पे है, मैं यहाँ पे साइड बाय साइड आपको कंपेयर करके दिखा दूँगा। लेफ्ट साइड पे आपको एंड्रॉयड 13 वाला मिलेगा, राइट साइड में आपको एंड्रॉयड 14 वाला मिलेगा। तो देखिए रियलमी UI 5.0 पे एक फीचर मिलता है ऑब्जेक्ट रिमूवर, ये वाला फीचर मुझे बहुत बेस्ट लगा क्योंकि ये वाला जो फीचर है ये 2 साल पहले पिक्सल फ़ोन में ये आता था ये फीचर, अभी ये रियलमी फ़ोन में आने लगा ये रियलमी UI 5.0 पे। मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक रैंडम सा पिक पहले चूज़ करता हूँ,
और आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको एडिट बटन पे जाना है और वहाँ पे साइड डाउन करके इरेजर का बटन है उस पर क्लिक करना है। जो भी मतलब ऑब्जेक्ट आपको रिमूव करना है उस पर आपको पहले इस तरह मार्किंग करना पड़ेगा। और मार्किंग करने के बाद देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, पहले मैं इसको ठीक तरह से मार्किंग कर लूँ। यहाँ पे ये जो नीचे जो स्क्रॉल दिख रहा है इसके मतलब कितना अमाउंट आप इसको ऑब्जेक्ट को रिमूव करना चाहते हैं ये इसका पैरामीटर है। मैं इसको सिलेक्ट कर लिया। अभी देखिए लगभग 80% टोटल पूरा मतलब ये ऑब्जेक्ट रिमूव हो गया है। एक और फीचर मिलता है AI पैलेट नाम से, इसमें आप लोग मतलब फ़ोटो का फिल्टर चेंज कर सकते हो। और इसमें एक और फीचर है लाइक कोई भी मतलब आप फ़ोटो उठा लो उसका बैकग्राउंड मतलब जिससे अगर रेड होगा तो टोटल फ़ोटो रेड हो जाएगा कुछ ऐसे। तो भाई ये वाला तो फीचर बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं आपको एक और फीचर के बारे में बता दूँ। अब हम नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं। यहाँ ये वाला फीचर का नाम है इंटरवल शूटिंग। ये फीचर आपको कैमरा एप्लीकेशन में मिलता है। बेसिकली ये फीचर का काम है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप कितना फ़ोटो खींच सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं कैमरा एप्लीकेशन पे, जेरा एप्लीकेशन। यहाँ पे सेटिंग पे जाके यहाँ पे आप इंटरवल शूटिंग देख रहे हैं, इसको पहले ऑन करना होगा। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा लाइक कितना फ़ोटो आप खींचना चाहते हो कितने सेकंड्स में। अगर मैं यहाँ पे 2 सेकंड का टाइम लूँ तो ये हर 2 सेकंड में एक एक फ़ोटो खींचेगा 5 फोटो तक। तो इसका आप अमाउंट भी बढ़ा सकते हैं और ये जो सेकंड्स है इसका भी मतलब अमाउंट आप बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग पूछोगे यार जो भी मैंने फ़ोटो खींचा है इसको मैं कैसे देखूं? तो ये पहले तो आपको गैलरी में आना पड़ेगा और यहाँ पे नीचे जो आइकॉन दिख रहा है ना छोटा वाला उस पर आपको क्लिक करना होगा पहले। तो यहाँ पे जो भी मतलब फ़ोटो आपको चाहिए यहाँ पे सिलेक्ट करके आप बाकी को डिलीट कर सकते हो, यहाँ पे सभी को भी मतलब रख सकते हो। ये रहा रियलमी UI 5.0 और वर्जन है इसका ये RMX 3571 14.0.0.5.0 ये इसका वर्जन लगभग है वो 4.5 GB कुछ ऐसा दिखता है। ये वाला अभी थोड़ा सा मतलब बॉक्सी डिज़ाइन हो गया और सभी मतलब पार्ट ये सेपरेट अभी आपको दिखा रहा होगा। एंड्रॉयड 14 मिलता है यहाँ पे आपको, एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच अप्रैल का मिलता है आपको। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ये अभी मतलब सेपरेट अभी आपको दिखा रहा होगा, आइकन थोड़ा सा चेंज हुआ है। और जो चीज़ मुझे बहुत बेस्ट लगा वो है ये बैटरी परसेंटेज, स्टॉप चार्जिंग एट 80%। एक होता है ना बैटरी का चार्ज साइकिल, आप अगर कोई भी मतलब आपका नया फ़ोन है अगर आप उसको बार बार 100% चार्ज डिस्चार्ज करने लगोगे तो उसका मतलब चार्ज साइकिल धीरे धीरे कम हो जाएगा। जो बैटरी आपका 2 साल चलने वाला था वो आपका मतलब 1 साल चलेगा। तो ये मतलब 80% चार्ज करेगा जिससे आपका मतलब चार्जिंग साइकिल भी मतलब ठीक ठाक मेंटेन रहेगा। और बाकी तो जैसे पहले था वैसा ही है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है अभी। हाँ ये अपडेट आने के बाद लाइक हीट थोड़ा सा हो रहा है फ़ोन और बैटरी भी मतलब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है चार्ज होने में। इसमें एक और चीज़ है ये वाला साउंड्स में कुछ एक्स्ट्रा रिंगटोन्स आए हैं। तो ये वाला जो रिंगटोन है इसको रियलमी वाले बोल रहे हैं अक्वा मोर्फिक थीम। मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ सुना के। और यहाँ पे मतलब ये जो आइकन पैक है इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया और ज़्यादा बोल्ड कर दिया। हाँ मैंने आपको नोटिफिकेशन पैनल दिखाया नहीं, कुछ ऐसा दिखता है अभी थोड़ा सा बोल्ड हो गया है। पहले रियलमी UI 4.0 पे यहाँ पे मतलब आप चाहो तो कैमरा और माइक्रोफोन का एक्सेस यहाँ से बंद कर सकते थे, पर इस बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। लाइक अभी आपको
यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप आके इसको बंद कर सकते हो। पहले नोटिफिकेशन पैनल पे ही सब कुछ मिल जाता था, पर अभी अंदर आना पड़ेगा, फिर इसको बंद करना होगा। एक और फीचर मिलता है लिंक टू विंडोज़, या ये एक माइक्रोसॉफ्ट का एक फीचर है जिसे लाइक आप विंडोज़ के साथ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लाइक आपका मोबाइल का जो भी गैलरी का फ़ोटो है आप आपके विंडोज़ पीसी में देख सकते हैं। जो भी मैसेज आएगा या फिर कॉल आएगा आप आपके विंडोज़ पीसी से या फिर लैपटॉप से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। ये एक्चुअली बहुत अच्छा है क्योंकि जो इकोसिस्टम होता है ना एंड्रॉयड विंडोज़ के साथ, वो मतलब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल आप इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे विजेट सेक्शन पे कुछ ज़्यादा मतलब ऐड नहीं किया है, जो मतलब एंड्रॉयड 13 पे था वही है, कोई एक्स्ट्रा एक चीज़ यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है, ये सब एंड्रॉयड 13 में पहले से ही था। लॉक स्क्रीन में ज़्यादा कुछ आप कस्टमाइज नहीं कर सकते। पता नहीं यार ये वाला फीचर रियल मी वाले क्यों नहीं दे रहे हैं। अभी एप्पल को देख लो या फिर सैमसंग को देख लो, उनके फ़ोन में कस्टमाइजेशन बहुत अच्छे तरह से कर सकते हो आपके लॉक स्क्रीन पे। नेक्स्ट फीचर फाइल डॉक, तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको पहले सेटिंग्स में आना पड़ेगा और यहाँ पे स्पेशल फीचर्स, यहाँ पे स्मार्ट साइड बार को पहले ऑन करना पड़ेगा आपको कुछ इस तरह, और यहाँ पे फाइल डॉक का जो ऑप्शन है इसको आपको एनेबल करना पड़ेगा, फिर जाके आप इसको यूज़ कर सकते हो। दो तरह से आप लोग फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके शेयर बटन पे स्मार्ट साइड बार को यहाँ पे आप इसको सेंड कर सकते हो, जैसे आप देख रहे हैं ये वाला स्मार्ट साइड बार। और नेक्स्ट है यहाँ पे रिसेंट फाइल पे जो भी मतलब अभी आपने स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो को ऐड किया है यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका इस्तेमाल आप लोग लाइक को नोट्स बनाना है, लाइक यहाँ पे मैं एक नोट्स बनाता हूँ, तो फाइल डॉक में ये वाला जो है मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर सकता हूँ। जो इसको सिलेक्ट करके रखना है अपने फिंगर से और यहाँ पे इसको ऐड कर देना। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा ऐड हो गया है। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन ये था कि लाइक हम क्या यहाँ पे सेंड कर सकते हैं किसी को फ़ोटो या फिर वीडियो फाइल डॉक से, तो चले देखते हैं होता है कि नहीं। तो आई थिंक व्हाट्सएप पे ये तो अभी काम नहीं कर रहा है, ना वीडियो सेंड कर सकते हो ना फोटो सेंड कर सकते हो। आई थिंक ये अभी व्हाट्सएप पे इंटीग्रेट ठीक से नहीं हुआ है, इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा है ठीक से। यहाँ पे लिखा है ऑटो सिंक, तो इसका ये मतलब है कि जो भी फ़ोटो या फिर वीडियो आप फाइल डॉक में ऐड करोगे तो वो सब मतलब क्लाउड में जाकर स्टोर होगा, इसके लिए आपका नेट भी यूज़ होगा। अभी रियलमी का एक क्लाउड एप्लीकेशन आता था जिसका नाम था हीट ऐप, तो ये अभी मतलब रियलमी के तरफ से ऑफिशियली डिसकंटिन्यूड हो गया है। यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे हो ये अभी हीट ऐप क्लाउड आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। फाइल डॉक यहाँ पे जो क्लाउड पे अपलोड कर रहा है ये पता नहीं कौन सा क्लाउड पर अपलोड कर रहा है, तो इसको पहले आप लोग ऑफ करके रखना। तो ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है डाटा ये हमें नहीं पता, तो सिक्योरिटी कंसर्न से आप लोग ये वाला फीचर इसको ऑफ कर देना यहाँ पे स्मार्ट साइट वर पे फाइल डॉक पे। यहाँ पे जो ऑटो सिंक है इसको आप ऑफ करके रखना। एक टिप्स देता हूँ, जब भी आपके फ़ोन में एक मेजर अपडेट आता है आप पहले आपके फ़ोन को फैक्ट्री रिसेट कर लो, इससे ये होगा कि आपका फ़ोन अपना फुल पोटेंशियल पे वर्क कर पाएगा। तो यार फैक्ट्री रिसेट करने के बाद आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप फ़ोन को रिसेट कर लो तो आपको ये वाला रिकमेंडेशन पेज आएगा जहाँ पे आपको इन सब को मतलब टिक करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप टिक करोगे तो आपके फ़ोन में एड्स भर भर के आएंगे जो आपके एक्सपीरियंस को ख़राब कर देगा। तो जो भी मतलब मैंने यहाँ पे टिक करा है आपको बस वही करना है। यहाँ पे जो पहला है ग्लांस फॉर रियलमी, ये वाला आपको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें मतलब बहुत सारा एड्स आपको मिलेगा, और पर्सनलाइज सर्च पे भी आपको बहुत सारा ऐड मिलेगा, ग्लोबल सर्च पे भी आपको ऐड्स मिलेगा। ये वाला जो यूज़र एक्सपीरियंस प्रोग्राम है अगर आप चाहो तो इसको ऑन कर सकते हो, और नहीं करोगे तो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा।
सिस्टम स्टेबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम पे भी आप लोग ऑन कर सकते हो, ऐसा कुछ मतलब नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है। मैंने इसको नहीं किया है, आप चाहो तो इसको कर सकते हो, क्विक कनेक्ट भी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा डिसाइड करने के बाद आपको कितना स्टोरेज आपका यूज़ हुआ है, मेरे केस में यहाँ पे 7.2 GB अभी यूज़ हुआ है, जो मतलब हुआ 115 GB में से। और सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है, बहुत सारे एप्लीकेशन है जो आपका काम का नहीं है, आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। ये एक्चुअली मतलब प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन आप इसको बोल सकते हो, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप इसको बोल सकते हो, जो मतलब रियलमी यूआई 5.0 पे मिलता है ही मिलता है। ये वाला जो भी सारा एप्लीकेशन है, ये एक बायजूल्स का एप्लीकेशन है, जो मतलब कोई भी मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे गूगल टीवी, गूगल वन, जोस, न्यूज़, मौज, इन सब को आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। आज के लिए ये वीडियो में इतना ही। अगर ये टॉपिक रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन या फिर सवाल है, आप मुझे पूछ सकते हैं मेरे यूट्यूब कमेंट सेक्शन पे, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।